आज के हस्तरेखा में बहुत ही विशेष योगों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसमें से एक योग है कि अगर इस प्रकार की रेखा अथवा इस प्रकार का चिन्ह अगर आपके हस्तरेखा में है तो यकीन मानो मेरा एक दिन ऐसा आएगा कि आप राज्यपाल बनोगे। अगर इस प्रकार का चिन्ह आपके हस्तरेखा में अथवा योग है जैसा मैं बताने जा रहा हूं अभी बोर्ड पर, मैं अपने हाथों को मिला करके देखो तो यकीन मानो विद्यार्थी वर्ग के हो, और अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर मैं आप आईएएस आईपीएस बनोगे, यकीन मानो। लेकिन हर कोई ऐसे हाथ में ना देख ले और समझ जाए कि मेरे हाथ में तो नहीं है, ये लाखों करोड़ों हजारों में से एक आध लोगों के हाथों में होता है, इसलिए सबको ये ना समझे कि मेरे हाथों में भी है, मेरे हाथों में भी है, मेरे हाथों में भी है। बड़ा गौर से देख करके दो बार तीन बार चार बार वीडियो को देख करके समझने का कोशिश करना। ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, कम ही कम तीन चार पॉइंट के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, 20 मिनट के अंदर में जितना हो पाएगा उतना बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में उससे आगे का बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आप सब मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलो सियावर राम जनरगे जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। देवी और सज्जनों, अगर आप ही अपने सनातन धर्म के नारों को नहीं लगाएंगे, जय जयकार नहीं मचाएंगे तो कहाँ से सनातन धर्म की जय होगी? जब आप ही इतनी बातों को स्किप कर देंगे तो कहाँ से हो पाएगा? तो जरूर हमारे साथ दैनिक रूप से एक बार ये जयकारा लगाएं ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहे जो मुझे जयकारा लगाना है। लोग जब आपकी जय जयकार करते हैं तब किस समय क्या पता आपके मुख पर में बैठ जाए माता सरस्वती और उसी समय वो वचन सफल सिद्ध हो जाए, इसलिए निश्चित तौर पर में करें। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले आज मैं जिस योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो है राज्यपाल योग। कल के वीडियो में इस योग पे चर्चा नहीं हुई थी, यहीं पर आते आते कुछ टेक्निकल कारण से हमने वीडियो को बंद कर दिया और वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके हस्तरेखा में राजयोग है या नहीं, लक्ष्मी योग है या नहीं, प्रधानमंत्री बनने का योग, राष्ट्रपति बनने का योग है या नहीं, ये हमने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है राज्यपाल योग के बारे में, जिसको हमारे ज्योतिष की भाषा में प्रचंड योग कहा जाता है। प्रचंड, नाम ही प्रचंड है। नहीं, अब राज्यपाल देश का हर एक व्यक्ति तो नहीं बन सकता, राज्य का हर एक व्यक्ति तो नहीं बन सकता, एकाध व्यक्ति बनता है। तो ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबके हाथों में भी नहीं होगी, ये भी आप तय मान लो। हाँ, लेकिन जितने लोग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दो चार लोग देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो उसमें से दो चार लोगों को जरूर होगा हाथ में, जो कहीं ना कहीं के जीवन में आने वाले लंबा समय में कहीं ना कहीं जरूर जो है सो बन पाएंगे। हाँ, जिनको शक हो वो मेरे द्वारा कन्फर्म कर लें, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, जो फीस है जमा करके हस्तरेखा जानकारी ले लें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि हथेली में गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत, अर्थात ये पर्वत जो है इसको गुरु पर्वत कहते हैं और ये पर्वत जो है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, बीच वाला शनि ये बुध। तो सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत जिसके हाथों में खूब उठा हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे कि हाँ
ये जो पर्वत है सो लग रहा है कि हाथों में कोई पहाड़ निकल आया है, पहाड़ की तरह खूब उच्च का लगे कि जहाँ पर्वत है, उठा हुआ पर्वत है। सूर्य और गुरु दोनों, ये भी पर्वत उठा हुआ होना चाहिए और ये भी पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, अर्थात इस उंगली के नीचे जो ये पर्वत है ये उठा हुआ होना चाहिए और इस उंगली के यहाँ पर में जो पर्वत है ये दोनों उठा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन, ये आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ, अपने हाथों में पुरुष वर्ग अपने दाहिने हाथ में मिलाएं और महिला वर्ग अपने बाएं हाथ में मिलाएं, अच्छा रहेगा। अगर मान लो किसी कारणवश ये कंडीशन आप पुरुष हो और आपके दाहिने नहीं बाएं हाथ में होती है तो इसका मतलब आपके पत्नी को इस प्रकार का कुछ फल मिलने वाला है, और अगर आप महिला हैं और अगर आपके दाहिने हाथ में इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आप ये माने कि आपके पति को इस प्रकार का फल मिलने वाला है। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर एक कि गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों खूब उठा हुआ होना चाहिए, देख करके ही ऐसा लगे कि हाँ पर्वत उच्च का है, उठा हुआ है, देख करके ही ऐसा महसूस होना चाहिए। ठीक, एक नंबर कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि शनि रेखा एवं बुध रेखा निर्दोष, गहरी और स्पष्ट होना चाहिए। कौन कौन सी रेखा? तो शनि रेखा, शनि रेखा यहाँ से निकलती हुई ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है कि ऐसे हो, किसी प्रकार से यहाँ से जो रेखा निकल रही है वो रेखा शनि हुई, और यहाँ से जो रेखा निकली वो बुध हुई, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं इस जगह से निकल सकता है। ये पूरा क्षेत्र बुध का है और ये पूरा क्षेत्र शनि का है, ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र बुध का है। बड़ा कंडीशन बहुत साफ और सीधा है, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं पर्वतों का ही खेल है बस इस योग में। गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों खूब ऊंचा, ऐसा महसूस हो कि ये पहाड़ है, पर्वत है। शनि रेखा और दूसरी बात कि बुध रेखा एकदम गहरी, स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे, यहां से निकलने वाली रेखा और यहां से निकलने वाली रेखा निर्दोष हो, ना ही टूटा फूटा हो, एकदम ऐसा हो कि लाल लाल, एकदम हल्का हल्का लालिमा लिए हुए हाथों में वो दिखाई दे बाकी रेखाओं की तरह। अगर इस कंडीशन पर में आपकी हस्तरेखा खड़ी उतरती है तो ये मेरा दावा है आपसे कि राज्यपाल बनने से एक दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। निश्चित तौर पर में आप राज्यपाल बनेंगे, निश्चित तौर पर में आप किसी राज्य के प्रधान बनेंगे। ये योग अगर है तो मुख्यमंत्री बनने का भी योग होता है और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल बनने का भी योग होता है। दोनों में से आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी भी प्रांत के प्रधान बन सकते हैं, इसी को प्रचंड योग कहते हैं। देवी और सज्जनों, बड़ा गौर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि साधारण योग नहीं है ये, सबके हाथों में नहीं होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। दो ही कंडीशन है इसमें कि गुरु पर्वत और बुध, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों उठा हुआ होना चाहिए, दोनों पूरा ऐसा लगे कि पहाड़ है, पर्वत है, इस प्रकार से उठा हुआ होना चाहिए, खूब सुंदर। शनि रेखा और बुध रेखा, शनि पर्वत के पास से, बुध पर्वत के पास से रेखाएं जो निकली होनी चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और लालिमा लिए हुए होनी चाहिए। देवी और सज्जनों, अगर इस प्रकार की चीजें आपके हाथों में बन रही है तो एक बार फिर से कह दूं कि आपको राज्यपाल बनने से, किसी प्रांत के प्रधान बनने से, मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत सारे लोग जो हैं सो मुझसे ये बात बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि गुरुदेव, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो क्या मेरे हाथ में भी ऐसा कुछ योग है जो मैं कभी मुख्यमंत्री बन पाऊँगा, मैं कभी राज्यपाल बन पाऊँगा?
मंत्री बन, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके संपर्क में जितने भी नेता वर्ग के लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, उनको बड़ी खुशी मिलती है इन चीज़ों को देख करके, मैचिंग करके कि हाँ वो सही हुआ या नहीं। तो देवी और सज्जनों एक योग हुआ। दूसरे योग के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है IAS। क्या आपके हस्तरेखा में ऐसा कुछ योग है जिससे कि विद्यार्थी वर्ग के लोग, खास करके जो IAS IPS बनने की इच्छा रखते हैं, ये खास करके IAS के लिए है, वैसे अगर बनने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए ये है कि क्या आपके हाथों में इस प्रकार का योग है, क्या आप IAS बन पाएंगे, अगर हाँ तो देखिए। सबसे पहला कंडीशन कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथों में शनि पर्वत पर, यानी कि यहाँ पर में, अब एक बार अब ये देखो, अब यही समस्या हो जाती है, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब तो अब आप ध्यान से सुनना कि जिस व्यक्ति के, वो महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति के शनि पर्वत पर ठीक अस्पष्ट त्रिशूल का चिन्ह हो, जैसे कि कई लोगों को तो नहीं लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे कोई रेखा रहती है, ऐसे एक त्रिशूल बन गया, त्रिशूल वो किसी प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर में वो ऐसे भी हो सकता है, नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोई रेखा जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि त्रिशूल बनता हुआ अगर आपको दिखाई दे शनि पर्वत पर में, बीच वाली उंगली के पास में किसी भी माध्यम से, ऐसे एक भाग्य रेखा जा रही है, ऐसे एक रेखा ने इसको काट दिया, ऐसे हो गया, ये त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्रिशूल बन गया ये, नहीं यहाँ पर से ऐसे करके बीच से आता हुआ रेखा गया, यहाँ से देखो कि ये त्रिशूल बन गया ये। तो अगर इस प्रकार से अगर होता है, त्रिशूल बनता हुआ दिखाई देता है, कंडीशन नंबर एक, तथा चंद्र रेखा एवं भाग्य रेखा परस्पर मिल रही हो, बड़ा ध्यान से सुनना, भाग्य रेखा और चंद्र रेखा परस्पर अगर मिल रही हो। अब आप कहोगे कि भाग्य रेखा कौन सा हुआ, तो यही है आपका भाग्य रेखा, ये है आपका भाग्य रेखा, और यहां से निकलती है चंद्र रेखा, अगर ऐसे मिल गई हो, अथवा चंद्र रेखा ऐसे आ गई हो, नहीं कुछ भी हो सकता है, यहां पर में इस क्षेत्र से जो रेखा निकल रही है, इस क्षेत्र से वो रेखा अगर इसमें किसी प्रकार से भाग्य रेखा में मिलती है, चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखा अगर किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा में मिलती है तो वो चंद्र रेखा और भाग्य रेखा का मिलन कहा जाएगा। बड़ा गौर से सुनना, ये सब बहुत कम लोगों के हाथों में देखोगे कि चंद्र रेखा यहाँ से निकल रही है और भाग्य रेखा को मिल रही है, या भाग्य रेखा को काट रही है, या भाग्य रेखा से उसका मिलन हो जा रहा, बहुत कम। कंडीशन यहाँ पर में दो हुआ, सबसे पहला कि शनि पर्वत पर में आपको बीच वाली उंगली में देखना है यहाँ पर में कि त्रिशूल बन रहा है कि नहीं, तो त्रिशूल अगर बन रहा है तो कंडीशन नंबर एक पास कर गए आप। कंडीशन नंबर दो, यहाँ से निकलता हुआ ये भाग्य रेखा नीचे आता है, हो सकता है ये रेखा यहाँ से ना निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से भी ना निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से भी ना निकले, यहाँ से ही निकले, और इस जगह से कोई भी रेखा इतना दूर से निकलने वाली अगर इसको कहीं से भी अगर मिल रही है, स्पर्श कर रही है, हो सकता है ये भाग्य रेखा यहाँ से आए और ऐसे 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 हो जाए, मिल जाए, हो रखता है ये भाग्य रेखा यहाँ से आए ऐसे हो जाए, किसी भी प्रकार से अगर चंद्र रेखा में इस जगह पर में हाथों के
भाग्य रेखा यहाँ से आई और यहाँ से कोई भी रेखा कैसे भी करके अगर आपके भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में IAS बनने का योग है और आप अपना पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाएं। 100% आपको रिजल्ट होगा देर सवेर, लेकिन आप डट करके मेहनत करना शुरू कर दें। ठीक, अब तीसरे योग, जिस योग की मैं बात करूंगा वो है राजदूत योग। राजदूत योग, राजदूत आपने सुना होगा कई बार कि भारत का राजदूत विभिन्न देशों में जा करके रहता है, वहां का राजदूत राजा का अपने देश का दूत बन करके रहता है। हमारे देश में भी हर देश के दूत यहाँ पर में हैं, हर देश का दूतावास है यहाँ पर में, नहीं तो ये आपने सुना होगा। राजदूत अगर नहीं जानते हो तो नेट पर में सर्च कर लेना कि राजदूत क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बनना चाहते हैं और लगभग मैं जानता हूँ कि आप सब जानते होंगे निश्चित तौर पर में, राजदूत के बारे में निश्चित तौर पर में आपने सुना होगा। तो अब हम इसको कहते हैं राजदूत को हमारे ज्योतिष के भाषा में कूटनीतिज्ञ योग। कूटनीतिज्ञ योग, कूटनीतिज्ञ योग अगर है आपके हस्तरेखा में तो आप राजदूत बनेंगे निश्चित तौर पर में, और अपने देश के तरफ से जाकर के किसी भी दूसरे 216-17 देश में से कहीं पर भी आप रह सकते हैं। आइए अब समझते हैं तो ये योग कैसे बनता है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। आप कहते हैं कि गुरु पर्वत तथा मंगल पर्वत दोनों ऊंचे उठे हुए होनी चाहिए। ये है गुरु पर्वत, ये जो है सो पूरा ऊंचा उठा होना चाहिए, और गुरु पर्वत पर में देखने के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए, पहले भी बार बार वही बात कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा महसूस होना चाहिए जो ये जो है सो पूरा का पूरा उठा हुआ उभार जो होती है एक प्रकार से वो आपको महसूस होनी चाहिए यहाँ पर में। और इस जगह पर में यानी कि मंगल पर्वत पर में भी आपको ऐसे करेंगे तो आपका ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। रेखाओं को बड़ा गौर से देखो और समझने की कोशिश करो, नहीं तो इतना आसान नहीं है। हस्त रेखा जन्म कुंडली से बहुत ज़्यादा टफ है, इतना आसान नहीं है देखना। तो अगर गुरु पर्वत आपका उठा हुआ है, और यहाँ के ये तीनों पर्वत में से अभी अब किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ये तर्जनी अंगुली का जो है ना ये पर्वत अगर उठा हुआ है, ठीक है, और आपका अगर यहाँ पर में अगर हस्तरेखा में उठा हुआ है इस जगह पर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर्वत जैसा महसूस हो रहा है उठा हुआ है, धसा हुआ नहीं उठा हुआ, उभार उसमें आया हुआ है, तो आप ये समझें कि गुरु पर्वत और मंगल पर्वत सबसे पहला कंडीशन इस दोनों का उठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा जो है सुनिश्चित तौर पर में, अब देखो आपको मैं बताता हूं आपको समझाने के लिए मुझे फिर से इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं फिर आपको बताता हूं। अब देखो सबसे पहला कंडीशन ये हुआ गुरु पर्वत और मंगल पर्वत उठा होना चाहिए और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार का होना चाहिए। यहां से आया एक क्षेत्र इधर चला गया, एक क्षेत्र इधर आ गया, अथवा यहां तक आया, यहां से एक क्षेत्र इधर चला गया या यहीं से आया कहीं से, यानी कि दो तरफ जाने वाला मस्तिष्क रेखा होना चाहिए, दो तरफ ही जाने वाला, दो तरफ जाने वाला जो है सो मस्तिष्क रेखा अगर आपके हस्तरेखा में बन रही है, ये गुरु पर्वत मंगल पर्वत उठा हुआ है और मस्तिष्क रेखा ऐसे करके आया और दो तरफ बट गया, कई बार आपने देखा होगा। ये देखो आप, जैसे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये देख रहे हो मस्तिष्क रेखा यहाँ से आया ऐसे है और यहाँ से आकर के ये बट गया, दो तरफ बट गया, ये नहीं आपको महसूस हो रही होगी, ये देखो हाँ बटा हुआ है ना,
ये बटा हुआ होना चाहिए और ये जो मंगल रेखा है, मंगल पर्वत जो है, ये उठा हुआ होना चाहिए, पर्वत जैसा महसूस होना चाहिए कि हाँ ये वाकई में उठा हुआ है। इस प्रकार की अगर रेखाएं आपके हाथों में बनती है तो यकीन मानो अपने प्रयास में लगे रहो, अपने तरफ सब परिश्रम करने में चुको नहीं, ऊपर वाले की अगर कृपा हुई तो निश्चित तौर पर में आप एक दिन राजदूत बन के रहोगे। तीन योग के बारे में बताया, राज्यपाल, IAS और राजदूत। इन तीनों योग को समझने के लिए आपको इस वीडियो को तीन बार चार बार देखना पड़ेगा, तीन बार चार बार देख करके समझना पड़ेगा कि क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या इस प्रकार चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो कुछ पैसा खर्च कर लोगे और क्या, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्लियर समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ पैसे खर्च कर लोगे, पेमेंट कर लोगे, व्हाट्सएप पे नंबर भेज लोगे, हस्तरेखा की फ़ोटो दोनों हाथ की खींच के भेज लोगे, पेमेंट कर लोगे जो फीस होगी और उसके बाद आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो यही आज के तीन ही पॉइंट के बारे में चर्चा रही हमारी। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर तीन चार पॉइंट जितना हो पाएगा 20-25 मिनट में प्रयास करूंगा आपको बताने का। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।